महाराज जी, अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना जरूरी है या नहीं, और व्रतों का क्या महत्व है, कृपया करके शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। बिना व्रतों के कल्याण नहीं होता। भवस्य सारम किम, केले व्रत धारण। व्रत अंगीकार करना ही मनुष्य जीवन का सार है। व्रतों से वृत्तियों का परिष्कार होता है। व्रत है क्या? पाप पर विराम, पाप के परित्याग को व्रत कहते हैं। विरतिर यानी दूर हटना, पापेभ्यो विरतिर, पापों से छुटकारा पाना, पापों का परित्याग करना, पापों पर विराम लगाना व्रत है। मैं एक सामान्य से शब्दों में पूछता हूँ, पाप का प्रवाह चला आ रहा है तो क्या जीवन का उत्थान होगा? तो चले आ रहे पाप के प्रवाह को रोकोगे कैसे? उस रोकने की प्रक्रिया का नाम ही व्रत है। इसलिए बिना व्रत के निर्वृत्ति नहीं। अतः कोई भी व्यक्ति को व्रत संयम शून्य नहीं होना चाहिए। व्रत जीवन का सुरक्षा कवच भी है। एक बार व्यक्ति किसी प्रतिज्ञा और व्रत में संकल्पित हो जाता है और निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह करता है तो सुरक्षित हो जाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा कि वे जब बाहर जा रहे थे तो उनकी माँ ने बेचरदास जी दोषी एक जैन साधु थे उनके समक्ष तीन नियम दिलवाए थे, मांस नहीं खाना, मदरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। गांधी जी ने लिखा कि यदि मेरी ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन की सुरक्षा कवच बनी, यदि मैंने ये प्रतिज्ञा और व्रत नहीं लिए होते तो मैं भ्रष्ट हो जाता। तो व्रत व्यक्ति को भ्रष्ट होने से बचाते। पर व्रत का मतलब केवल खाने पीने की शुद्धि मात्र का नहीं है। व्रत एक जीवन का संकल्प है जो पाप के विराम से प्रकट होता है। हमें उसे तत्परतापूर्वक निभाना चाहिए।